तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये घर पे कैसे आ गया। अभी तो ये जलंधर में था और जलंधर से हम निकले। पूरी बात बताता हूँ आपको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हुआ ये कि जब हमने पैकिंग वगैरह करी ना, बैग वगैरह पैक कर लिए, पूरे फिक्स कर लिए, हैंग कर लिए बाइक के ऊपर, उसके बाद हम निकलने लगे। निकल के हम पहुँचे थे शाम को, मेरे ख्याल 7-8 बजे लुधियाने की तरफ पहुँच गए थे हम। रास्ते में फ़ोटो वगैरह खींचते हुए, रेस्ट करते हुए, ढाबे पे खाते पीते आए आराम से हम। तो आते ही साथ में जो भाई गया था वो कहता, यार क्या करना है? मैं कहा देख लो, अगर होटल लेना है तो रेस्ट मारना तो होटल ले लो, नहीं तो फिर निकलो आगे दिल्ली की तरफ, क्या करेंगे। तो यही हुआ कि बाइक उठाई, चलो जी सीधा। सोचा रात को 10 बजे हमने एक जगह ब्रेक लगाई ढाबे पे, खाना खुना खाया। खाना खाने के बाद मूड चेंज हो गया, चलो यार सीधा दिल्ली निकालते हैं। अब वहाँ से रात को 10 बजे निकले दिल्ली लुधियाने से हम। हमें 4-5, मतलब सुबह 4-5 बज गए थे पहुँचते पहुँचते दिल्ली। 7 बजे मैंने गाड़ी दिल्ली लगाई थी बाइक। मैं जाते हुए वापसी आते हुए मैं ही लेके आया हूँ, क्योंकि भाई जो था थक गया था। तो हुआ ये कि वहाँ से हम 7 बजे हमने बाइक लगाई दिल्ली में। बाइक लगाते ही रेस्ट रूस किया, 1-2 दिन रेस्ट किया क्योंकि थके हुए थे। 3 दिन 2 रातें गाड़ी चल रही थी, 2 रात। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो थका ही नहीं था, थकावट हुई नहीं थी क्योंकि हेलमेट में मेरे इंटरकॉम लगा हुआ था, मैं गाने सुनता जा रहा था। तो गाने सुनते सुनते ना सुस्ती चढ़ती है ना कुछ होता। एक होता ना गाड़ी चलाते हुए, अगर खाली सायण जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए तो ऐसा होता है कि यार बस नींद आ रही, चपकी लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इंटरकॉम ने बहुत साथ दिया, गाने सुनता हुआ गया। उसके बाद आती मैंने स्कूटी स्टार्ट करी। मैंने कहा 3 दिन स्कूटी बंद पड़ी है, कभी बैटरी वगैरह ना ख़राब हो जाए। तो स्टार्ट करी तो देखा पिछला टायर में हवा बिल्कुल ख़त्म। मतलब ये महीना मेरा ऐसा गया टायरों भी चलता रहा यार, कभी बाइक का कब स्कूटी का। तो स्कूटी का जब मैंने टायर चेक करवाया, अब मिचलिन के टायर डलवा रखे हैं, MRF से भी ऊपर क्वालिटी मिचलिन के टायर, वो भी ट्यूबलेस। पीछे आगे आगे तो पंचर हुआ नहीं, क्योंकि आगे तो कम होता है, सारा वेट ही पीछे डलता है, इंजन का भी और अपना भी, या जो भी साथ जाता है, मतलब पिलियन का भी और हमारा भी। तो मैंने कहा चलो यार इसको भी ठीक करना पड़ेगा। पंचर वाले के पास गया, भाई चेक करियो पंचर कैसा क्या नहीं। चेक किया तो शायद अब मैंने वीडियो डाली भी होगी पीछे कि इसमें पंचर निकला है। हाँ, 3 पंचर जो उसमें पंचर ही लीक थे। तो उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ। मेरे को बोला कि उसने पंचर वाले ने कि भाई ये ले आओ लिक्विड, इसको बोलते हैं सीलेंट, ये देखो ये लेके आया हूँ मैं, अब ये यूज़ करेंगे। अभी जा रहा हूँ उसी के पास ही, टायर खोल के तब डलता है ये, तो लिक्विड है। एक इसके साथ एक और चीज़ मिलती है, दिखाता हूँ। ये मिलता है कोई, ये पता नहीं, ये रबड़ सी है, मतलब जैसे टायर की रबड़ होती है ना, समझ लो टायर को बारीक बारीक काट के या चूरा बना के उसका ये रबड़, ये है। ये मेन काम करती है, जो पंचर हो जाए तो उसकी जगह जो सुराख हो जाता है ना, होल हो जाता है, उसकी जगह ये अपने आप जाके फिक्स हो जाती है, अपने आप चिपक जाती है अंदर, मतलब एयर के प्रेशर से। तो ठीक है, मैं अभी वहीं जा रहा था, तो मैं कहा चलो आपको भी दिखा दूँ कि कैसे इसका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे चलता है। उसके साथ देखो पाइप भी मिला हुआ है, ये देखो साइड में पाइप लगा हुआ है। तो ठीक है, अब उसके शॉप पे चलते हैं, स्कूटी निकालते हैं बाहर, गर्मी बहुत है, मन भी नहीं करता है निकलने का। तो स्कूटी निकालता हूँ, फिर चलता हूँ शॉप पे, दिखाता हूँ आपको उसका प्रोसेस क्या है। निकालते हैं बाहर, उसके बाद जाते हैं दुकान। दुकान पे आ गया था, अभी आपको दिखाता हूँ सारा इसका कैसे, सारा सिस्टम कैसे है इसका। हमारे भैया कह रहे हैं कि इसमें टायर खोलेंगे, टायर खोल के फिर साइड से ना ये डालेंगे, ये क्या नाम है, ये बुरादा जो है ना, ये रबड़ का, ये डालेंगे। अरे उससे इसमें पाइप तो दिया हुआ है पर उसमें टाइम लग जाएगा, इसमें जल्दी काम हो जाएगा, उसमें हम कम से कम भी आधा घंटा लग जाएगा डालते डालते। और वाल पुट्टी डालने का पंगा ये है कि लिक्विड भी बाहर आ जाता है कभी कभी, अब देखेंगे हवा डलवाएंगे जब लिक्विड आता नहीं आता बाहर। वीडियो में तो बहुत चीज़ें पता लगी थी, मेरा भी पहले मन नहीं करता लिक्विड डलवाने का, मैं कहा यार नया टायर है और रस्ते से हो जाएगी। यूट्यूब पर इतनी वीडियो देखी उसमें वो बता रहे कि जब तुम हवा डलवाओगे ना तब भी लिक्विड निकलेगा हल्का हल्का, होता है ऐसे। जब चीज हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तो हम कैसे बताएंगे दुनिया को, लोगों पे हमें विश्वास ही नहीं है।
क्या दूं, वो दूं लिक्विड, तुम्हें खोलना पड़ेगा इसको, खोलना नहीं था मैंने। ये रबड़ का तो चूरा होता है, ये टायरों का चूरा होता है। लिक्विड कैसे डाल दोगे? पिन मार लेना, शायद निकलेगा नहीं। एक ने बताया कि ये डब्बा ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होएगा, मतलब इसमें अंदर दिख नहीं सकता कुछ भी। उसका भी एक तरीका है कि हाँ भी ये ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाते, कि लिक्विड सूख ना जाए अंदर। या काला रंग का डब्बा होगा या सफ़ेद रंग का होगा, और गाढ़ा होगा ये प्लास्टिक, ऐसा भी है सुना है मैंने। ये है भी उसका बंसल टूल वालों का, करोल बाग वाले का, जो गुजार बनाता। हाथ बजाए करना, ये डाल दिया इतना, जहाँ मेरी अंगूठा जावे मेरा, देखते हैं कामयाब है या नहीं। जो अपने वाले जो पेंचर है तीन, इसमें हो जाएंगे सेट, चल चला के होंगे ना वो। ना टायर कामयाब है, MRF का ही है फिर है ना, सबसे बढ़िया MRF है इससे, मतलब जेपर टाइम जाना, जेपर गुड्डी कौन सी वाली, जेपर जेपर की, हाँ जो कंपनी फिट आती है वो लंबी वाली गुड्डी होती है, लंबी वाली धारी वाली, हाँ हाँ नाइलॉन वाली जो एक्टिवा में आती है, सही रहती है वो, है ना। बाहर आया था, इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, हवा चल रही है, पता नहीं मेरी बारी कोड हो रही नहीं हो रही होगी, क्योंकि हवा बहुत तेज है। और मैं भी आया रील वगैरह बनाने के लिए, मैंने सोचा रील वगैरह का कॉन्फिडेंस डाली पड़ती है, डाली चाहिए, डेली डेली डालता हूँ था पहले भी, अब डालनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, अभी आपने ब्लॉग देखा ही होगा, पंचर वगैरह थी स्कूटी, काम ओके करती है, डन करती है एकदम बढ़िया, कल चला के देखेंगे उसे। और आज इसका दिन था, ये निकाली बाहर, इसके साथ रील्स वगैरह बना रही थी, फोटो भी नहीं थी इसके साथ कोई, और थोड़ा सा पास आ जाओ। आने वाले टाइम में हम इसके में इसका एक मेरे साथ, इसका और मेरे साथ मतलब बाइक का और मेरे साथ स्टिकर बनाने वाले हैं, जिससे हमारी एक पहचान बन जाएगी, हाँ भी हम भी मीत अंबरसरी नाम से हैं, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा फेमस है, हैं। बाकी मेहनत करेंगे, ऊपर वाला मेहनत करवाएगा तो पता ही, आपको इशारे समझो यार। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं,
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो पता नहीं क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देख लो, इस नाम से सब्सक्राइब करना चैनल को, ये दिखा दो, इस नाम से सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।